हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। ये जो आप डोर फ्रेम देख रहे हैं, इसमें हमने वुड फिलर की पट्टी खींची थी, यानी कि पूरे डोर पे और डोर फ्रेम पर हमने पट्टी खींच दी थी। जब हमने सैंडिंग करी तो वुड फिलर है वो उसकी रगों में, यानी कि उसके जो ग्रेन्स हैं उसमें रह गया है। अभी काफ़ी सैंडिंग करने के बाद भी निकल नहीं रहा है, क्योंकि वुड फिलर वैसे मजबूत होता है। अगर आप चाक मिट्टी की फिलिंग करते हैं तो भी उसमें फेविकोल ज़्यादा डाल देंगे तब भी यही कंडीशन आएगी। तो इसमें होता ही है, जब हम इसके ऊपर कलर चढ़ाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा। जहाँ पर भी वुड फिलर लगाए, यहाँ आप देख रहे हैं, ये सारा एरिया डार्क हो जाएगा और ये अलग दिखेगा। फिर जब हमें कलर मैचिंग करनी होगी लास्ट में, फाइनल कोट से पहले, तब इसकी कलर मैचिंग में हमें खासी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब इतना सारा वुड फिलर अंदर फिल है और उस पर कलर चढ़ता जाएगा, वो कलर को एब्जॉर्ब पी लेगा कलर को, वुड फिलर डार्क हो जाएगा और जो मेन बेस है वो उतना डार्क नहीं होगा, तो अलग अलग नज़र आएगा। जैसे अभी ये वाइट नज़र आ रहा है, वैसे ही बाद में ये डार्क नज़र आएगा डोर के मुकाबले। अगर आपको पूरे अपने सब्जेक्ट की जिसके आप पॉलिश कर रहे हैं उसकी पूरे की फिलिंग करनी है, तो आपको उसके ऊपर जो फिलिंग करनी है वो बहुत ही हल्के फेविकोल वाली चॉक मिट्टी की करनी है, वुड फिलर की नहीं करनी है। वुड फिलर की करने से वही ग्रेन्स में वो भर जाएगा और फिर निकलेगा नहीं, डार्क हो जाएगा और फिर आपको कलर मैच करने में बहुत अच्छी खासी दिक्कत आएगी। अब जैसे आप बिल्कुल कोरा देख रहे हैं, इस पर अगर आपको करना है तो आपको इसके ऊपर पूरी पट्टी नहीं खींचनी है। पहले आप इसकी सैंडिंग कर लीजिए, फिर आप इसके ऊपर रिपेयर कर लीजिए, रिपेयर करके फिर सैंडिंग करें। सैंडिंग करने के बाद फिर अच्छे से इसकी सफाई कर दें थिनर से। जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, आप इसके ऊपर कलर चढ़ा दें। कलर चढ़ाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक हाथ से आप कलर लगाएंगे, दूसरे से उसको साफ़ कर देंगे, मतलब हल्के हल्के कलर चढ़ाना, धीरे धीरे, एकदम से डार्क नहीं करना, नहीं तो धब्बे पड़ जाएंगे। कलर चढ़ाने के बाद आप इसके ऊपर बेस कोट यानी सिलर डालना शुरू करें। सिलर के आप 3 से 4 कोट लगा देंगे तो बिल्कुल फिलिंग अच्छी हो जाएगी, आपको पूरे पे पट्टी खींचने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको एक आध कोट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वालिटी जो आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी अगर आप सिलर से भराई करेंगे। भराई करने के बाद फिर आप इसके ऊपर सैंडिंग करें। सैंडिंग करने के बाद फिर आप इसके ऊपर टॉप कोट डालें। टॉप कोट डालने के बाद जो फिनिशिंग आपको मिलेगी वो अच्छी खासी बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग होगी, लेकिन अगर आप पूरी फिलिंग करते हैं तो उसमें जो दिक्कत आती है वो मैंने आपको बताई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।